तो इसके अंदर 2 kg 4 kg के दो ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर 2 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रही है और 20 न्यूटन साथ की साथ नीचे भी लग रही है और ऑपोजिट लग रही हैं। तुम मुझे सिर्फ पहला क्वेश्चन ये बताओ, देखते ही कितने लोगों को समझ में आ गया कि इसमें जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है क्योंकि ब्लॉक्स ऑपोजिट मूव करने वाले हैं और वो सेपरेट होंगे, तो इसमें स्टैटिक की काइनेटिक क्या लगेगी? काइनेटिक लगेगी। कैसे? तुम फोटो में देखे कैसे कैलकुलेट करते हो ये भी बताओ, कैसे? नहीं, एक मिनट, मैंने कहा 2 और 20 देखते कैसे तुमने डिसाइड कर लिया कि काइनेटिक है और तुमने कैसे मान लिया कि सेपरेट होंगे? सोचो सोचो, 20 न्यूटन की फोर्स किसी ने पीछे लगाई? मैं जाके खुद लगा रहा था 2 न्यूटन। यार 20 न्यूटन 2 न्यूटन से बहुत बड़ा था, 10 गुना ज्यादा बड़ी फोर्स है, और मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं पर मुझसे ये सेपरेट ही नहीं हो रहे, अल्टीमेटली ये इधर ही जाते जा रहे हैं। तुम कैसे फैसला कर सकते हो? फैसला करने वाली तो फ्रिक्शन है और तुम्हें फ्रिक्शन की फोर्स तो मालूम ही नहीं है। तुम फोटो देके कैसे कैलकुलेट कर बैठे कि होगी ही होगी काइनेटिक? तुम्हें कुछ ना पता, तुमने की लेकिन लोगों ने नहीं की। तो तुमने तो सिर्फ ये मान लिया कि क्योंकि फोर्सेस ऑपोजिट हैं तो इनको तो हर हालत में सेपरेट होना ही है, कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारी 2 न्यूटन की फोर्स कमजोर हो सकती है और फ्रिक्शन बहुत खतरनाक स्ट्रांग हो सकती है, ये सेपरेट नहीं होने देगी। अब क्या कर लोगे तुम? ऐसे कैसे 2 में 20 में 18 कर देंगे? ऐसे नहीं होती कैलकुलेशन फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन कैलकुलेटर कोई तरीका नहीं कि 20 में से 2 गया 18, अल्टीमेटली ये सारी फोर्स ले गया और फिर इधर मूव कर गया, ऐसा नहीं है, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं बहुत हल्की फ्रिक्शन है, ना मात्र फ्रिक्शन है, फिर तो तुम ये भी फैसला कर देते तो ये इकट्ठे मूव करेंगे इधर, कि तुमने 18 इसको दे दी, इसको तो तुमने छीन ही ली इसकी फोर्स। तो रिलेटिव फोर्स कोई वर्ड नहीं, एक, और नेट फोर्स वर्ड है, नेट फोर्स 18 है, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगता ही नहीं। पहली बात ये, तुम इसका डायग्राम देख के अपने आप डिसाइड नहीं करोगे काइनेटिक की स्टैटिक है। जब तुम्हें ये दो वैल्यूज गिवन है तो तुम सबसे पहले इस पॉइंट का लिए क्या निकालोगे? मैक्सिमम स्टैटिक। मैक्सिमम स्टैटिक की वैल्यू म्यू एस इनटू यहां का नॉर्मल रिएक्शन जो कि कितना है 2g, म्यू एस की वैल्यू 0.6 इंटू 2 इंटू 10 कितना आ रहा है? 12 न्यूटन। इनको सेपरेट करने के लिए 12 न्यूटन की फोर्स चाहिए, पर तुमने ऊपर कितनी लगाई? 2 न्यूटन। तो क्या ये सेपरेट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। पर अगला क्वेश्चन एक और खड़ा हो जाता है यहां पे कि 20 न्यूटन का क्या करूं, तुमने यूज भी नहीं किया उसे। तो मैं फैसला ये क्यों कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा कि इनको सेपरेट करने के लिए 12 न्यूटन फोर्स चाहिए, पर शायद तुम में से कोई ऐसा लगा रहा होगा कि 12 छोड़ो, हमारे पे तो 18 है, क्योंकि 20 में से 2 गया 18, तो अल्टीमेटली नेट फोर्स तो मिला के 18 बनी गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप यहां पर ये बोलोगे कि आपको सेपरेट करने की जो फोर्स है वो तो 2 न्यूटन है, और 2 न्यूटन की फोर्स मेरी 12 न्यूटन की फोर्स से कम है, और मेरे हिसाब से ये इसमें जो फ्रिक्शन होगी वो कौन सी होगी? स्टैटिक। तो इसमें जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी? स्टैटिक। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जब मैं ये कंपेयर कर रहा था कि स्टैटिक है या काइनेटिक है, मैंने 20 न्यूटन को कंसिडरेशन में क्यों नहीं लिया? अगर होती तो करता। ग्राउंड तो स्मूथ है वो तो मैटर करेगा नहीं, पॉइंट है, दोनों का पॉइंट वैलिड है। ग्राउंड तो स्मूथ है वो तो रोक ही नहीं रहा, ग्राउंड तो समझो है ही नहीं, ग्राउंड तो समझो है ही नहीं इसका मतलब, क्योंकि वो तो स्मूथ है। या तो ग्राउंड रोक के रखता फिर मैं मानता कि ग्राउंड ने 4 kg को रोक लिया और उसको रुकना पड़ गया और ऊपर का ब्लॉक इतने में खिसक गया, पर वो तो तैयार है, वो तो कहता कोई टेंशन ही नहीं है, मेरी इसके साथ दोस्ती है ही नहीं, मेरी तरफ से ग्राउंड हटा दो, मेरे को हवा में रख लो चाहे, पर मेरी दोस्ती तेरे साथ है, तू देख तू मेरे को लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता, कि मैं तो चलने को तैयार ही हूं। तो ग्राउंड का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम स्टैटिक है वो किसके लिए कैलकुलेट हो रही है? वो यहां के लिए कैलकुलेट हो रही है जो कि कितनी है? 12 न्यूटन है। अब ये देखो कि आप 2 kg के ब्लॉक से पूछो, आप ये क्वेश्चन
2 kg का ब्लॉक अगर बोल पाता तो उसको कैसे बोलता। 2 kg के ब्लॉक से पूछो तेरे को सेपरेट होने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, उसने कहा जी 12 न्यूटन। तो अगर 2 kg का ब्लॉक कहता है मेरे पे 12 न्यूटन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगती है तो मैं नीचे वाले ब्लॉक के हिसाब से सेपरेट हो जाऊंगा, और अगर 12 से कम लगती है मैं सेपरेट नहीं होऊंगा। अब जो 2 kg का ब्लॉक जो बोल रहा है ऊपर वाला, वो सेपरेट होने की बात कर रहा है, वो अपने और नीचे की सरफेस की मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर है यहां तक? तो वो तो यही देखेगा ना कि उस पर कितनी फोर्स लगी। वो ये क्यों देखेगा कि मेरे नीचे वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगी, फिर उसके नीचे कितनी फोर्स लगी, फिर उसके भी नीचे कितनी फोर्स लगी, उसको क्या लेना। वो तो कैलकुलेशन फ्री बॉडी डायग्राम से 2 kg अपने ऊपर करेगा, भाई देख मेरे ऊपर 2 न्यूटन है और मैंने सेपरेट होना है। ये क्या सेपरेट होगा, ये तो पहले ग्राउंड पे गिरा पड़ा है, इससे नीचे क्या गिर जाएगा। गिरने का डर तो 2 kg को है कि मैं ना सेपरेट हो जाऊं। जो नीचे जमीन पे चल रहा है उसने क्या सेपरेट होना, वो तो पहली दफ भाग रहा है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे आपकी एक गाड़ी है, कार है, कार की छत पे आपने किताब रख दी, कार की छत पे आपने किताब रख दी। अब किताब से पूछ रहे हो तो गिरेगी कि नहीं गिरेगी, वो कह रही है कि अगर 12 मान लो कि 12 न्यूटन की फोर्स से ज्यादा फोर्स है मैं गिर जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं गिरूंगी। तो तुमने कितनी लगाई, तुमने तो 2 न्यूटन लगाई है उसके ऊपर। अब वो ये तो ना कि गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही थी या उसके नीचे कोई बॉडी कितनी स्पीड पे, उसको क्या लेना उस चीज से। ये क्वेश्चन जो है वो इस सरफेस पे कैलकुलेट हो ही नहीं रहा। सेपरेशन जो होनी है वो यहां से होनी ही नहीं है, सेपरेशन तो यहां से होनी है। और जब यहां से होनी है तो यहां के नीचे के डायरेक्ट फोर्सेस मैटर नहीं कर रही, सेपरेट क्योंकि 2 kg ने होना है। तो 2 kg पे आपने कितनी फोर्स लगाई ये फैसला 2 kg करेगा, और उसके नीचे की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करेगी। उसके नीचे क्या फोर्सेस हैं उसे फर्क ना पड़ता, क्योंकि 2 kg डायग्राम के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम में जो मैटर करता है वो तो 2 न्यूटन करता है, 20 तो करता ही नहीं। वो तो कह रहे 20 न्यूटन किस पे फोर्स लगी, मैं तो जानता ही 20 न्यूटन को, मेरे को तो 2 न्यूटन पता है। तो इसलिए आप यहां पर सिर्फ 2 न्यूटन से फैसला करेंगे, 20 को पूछेंगे भी नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यहां पर कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक, और स्टैटिक है तो उस केस में अब क्या होगा, 20 न्यूटन फोर्स बड़ी फोर्स है इधर लेके जा रही है तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगी, इधर, और 2 न्यूटन इधर जा रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, पीछे। तो आप चेक करो F की वैल्यू, F के नहीं है, F और F ये डायग्राम होगा, दोनों पे जो अप्लाइड फोर्स है उसके ऑपोजिट है फ्रिक्शन, चेक कर लो। इसकी फोर्स लेफ्ट है तो यहां फ्रिक्शन, इसकी फोर्स राइट है तो यहां फ्रिक्शन। तो अगर मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और फ्रिक्शन की वैल्यूज निकालूं तो देखो मैं क्या करूंगा इसमें, इसके अंदर ये रहा आपका ऊपर का ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका नीचे का ऑब्जेक्ट। ऊपर का ऑब्जेक्ट जो है वो 2 kg का है, नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो 4 kg का है। 2 kg के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी 2 न्यूटन और फ्रिक्शन लगी पीछे F, और ये इधर मूव करेगा या ऑपोजिट मूव करेगा विद एन एक्सलेशन ऑफ A। तो 4 kg का ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लगी 20 न्यूटन और इधर फोर्स लगी F। तो आप चेक कर लो, क्योंकि दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, ये फैसला हो चुका दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, कोई सेपरेशन नहीं है, तो दोनों की एक्सेलेरेशन एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम एक्सेलेरेशन सेम है। तो ऊपर वाले केस का फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन क्या बनेगी, F माइनस 2 इज इक्वल टू 2 into A फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए लेफ्ट जा रहा है तो 20 माइनस F इज 4 into एक्सेलेरेशन दूसरी इक्वेशन। इन्हें ऐड करो, ऐड करके A निकालो, ऐड करके F निकालो, आंसर F निकालना आंसर है 8 न्यूटन। तो लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 8 न्यूटन है, ना तो इसमें 18 है, ना 20 है, ना 25 है, ना 12 है, बीच में निकल के स्टैटिक तो कहीं से भी वैल्यू आ जाती है 8 न्यूटन। स्टैटिक में तो तुक्का मार भी मत देना, ब्लॉक के ब्लॉक में निकालनी पड़ेगी स्टैटिक, दूर से नजर आती स्टैटिक।